नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्नैकमैन सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच गए दिंगतानिया गांव में, जो कि हमारे भाई साहब है विजय ठेकेदार, तो इनका कोठी के अंदर जो काम चल रहा है। तो यहाँ एक कोबरा सांप काफ़ी दिनों से जो कि कुई बनी हुई है तो इसके अंदर गिरा हुआ था। तो इन भाई साहब ने रात को कोई रस्सी वगैरह यहाँ अंदर डाल के गए थे, तो उसी से सांप बाहर निकल आया और सांप को यहाँ बाहर छोड़ दिया गया, तो वापस इसी कोठी के अंदर वो सांप आ चुका है। तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, तो आपको दिखा दे कौन सा सांप है और कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, ये एक इंडियन सेप्टिकल कोबरा सांप है, जो कि न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा होती है। और ये मेरे को लगता है काफी टाइम से इस जो कुई का गड्ढा बना हुआ है तो वहां गिरा हुआ था, और इसको कोई शायद भूखा भी है। और इसी देखिए दोस्तों, इसका कुछ बचाव तो हो चुका है और काफी गुस्से में है। तो देखिए, दोस्तों काफी फुर्तीला सांप है और अभी छोटा बच्चा है, लगभग 1.5-2 साल का बच्चा है। तो देखिए काफी गुस्से में है। तो देखिए दोस्तों, इसके आंख के ऊपर भी शायद कुछ लगा हुआ है, मैं देख लेता हूँ इसको। नहीं विजय सिंह, आंख पर तो कुछ को नहीं है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे चलो बचाव हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो भाई साहब बता रहे थे कि इसकी आंख के ऊपर कुछ दिक्कत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके आंख के ऊपर कैंचुली है, तो वो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि इसको प्रॉपर दिखाई दे। अपना जी भी कटाओ, देखते हैं। बहुत खाली ऐसे दिख रहा है। कोई मच्छी को बारीकी सीख लिया कर दी। तो देखिए दोस्तों, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा होती है। और आज सुबह ही एक लेडीज को गुड़िया गांव में सांप ने बाइट कर लिया था, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उस लेडीज को जो सांप बाइट किया था वो कि कैट स्नैक, यानी इंडियन कैट स्नैक बोलते हैं और इसे ग्लोसी बैंडेड रेसर भी बोलते हैं, तो वो सांप बाइट किया था, उसमें जहर नहीं है। और उन्होंने थोड़ा डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवा लिया, तो अब सही है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको सांप बाइट कर लेता है तो आप घबराए ना, और जो भी आपके नज़दीकी स्नैक रेस्क्यू करो तो उनको फ़ोन करें और सांप के बारे में पूरी जानकारी ले, या उनको फ़ोन करके जहां भी बाइट किया होता है उनको निशान दिखाए, या सांप किसी ने मार दिया है या सांप को आपने देख लिया, इसकी वीडियो या फोटो हो आपके पास तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो, तो हम आपको प्रॉपर इनकी जानकारी दें ताकि कोई भी बेजुबान जानवर जो कि मारा ना जाए। अच्छा, अपने मोर्चे ने बैग में डब्बो निकाल दिया, इसको हमें एक सुरक्षित जगह पे रिलीज कर देंगे ताकि ये अपने बाकी की जिंदगी जो कि जंगल में व्यतीत कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये अपने बैग की वजह से बीट वगैरह भी कर देते हैं, इसने मेरे हाथ के ऊपर भी बीट कर दी है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं डिब्बे में पैक कर देता हूँ, और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है, अगर आप हमारी कॉपी करोगे तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, यानी जिद्दी सांप बोल सकते हैं हम इसे। तो देखिए दोस्तों, इसको डिब्बे में हमने पैक कर दिया, और देखिए दोस्तों, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा होती है। जब भी ऐसा सांप बाइट करता है तो लगभग जहां भी ये बाइट करेगा दो निशान बनते हैं, और ये अपना जो विष है इंसान के शरीर में छोड़ देता है। लगभग 3 घंटे तक या 45 मिनट इंसान 3 घंटे तक जीवित रह सकता है, अगर इसकी प्रॉपर इंसान को जानकारी हो, अगर घबराहट ना हो किसी को, और
लगभग 45 मिनट में इसका विष है जो कि हमारी बॉडी में पूरी तरह इसका फैल जाता है और उसी के चलते इंसान को हार्ट अटैक की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इन भाइयों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक जीव की जान बचाई है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा यूट्यूब चैनल है स्नेक मैन सहदेव वाल्मीकि के नाम से, उसे ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ के बारे में आपको अधिक जानकारी मिल सके और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ को अधिक से अधिक जान सको। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी हम सिरसा जो कि सिविल हॉस्पिटल है वहाँ जाके आए हैं जो कि हमारे नज़दीकी गुड़ियाखेड़ा गांव है। तो एक लड़की को सांप ने बाइट कर लिया था जो कि ग्लोसी बैंडर रेसर स्नेक था, नॉन वेनमस स्नेक, और इसके काटने से कुछ नहीं होता। और जो उनके घर वाले थे ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल लेके गए लड़की को, तो उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो आज शाम तक शायद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो अभी उसकी तबीयत के बारे में हम पूछ के आए हैं और डॉक्टर से भी हमने बात की है। तो देखिए दोस्तों, और ये सांप हमने जो कि रेस्क्यू किया था दिंगटानिया गांव से, तो अभी इसे हम रिलीज़ कर रहे हैं ताकि पर्यावरण में ये सुरक्षित रहे और किसी इंसान को भी दिक्कत ना हो और इसे भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ख़तरनाक सांप है, देखिए किस प्रकार इसने मेरे पे अटैक किया है। तो ये एक जहरीला सांप है, अगर ऐसा सांप इंसान को बाइट करता है तो इंसान किसी झाड़ फूँक के चक्र में आने की बजाय अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए ताकि इंसान की जान बचाई जा सके और इसको एंटी वेनम इंसान को मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की मौत किसी झाड़ फूँक के चक्रों में ही होती है, और आप ऐसा कार्य ना करें। जब भी आपको कोई सांप बाइट करता है तो आपके नज़दीकी जो भी सिविल हॉस्पिटल लगे तो उसमें जाए, अपना ट्रीटमेंट कराए। तो देखिए दोस्तों, इसे मैं आज़ाद कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी गुस्से में है, और देखिए दोस्तों कितना फुर्तीला सांप है। और मूवमेंट, जब सांप इस तरह मूवमेंट देता हो तो ये किसी बाइट करने की फिराक में होता है। देखिए दोस्तों, ये मेरी तरफ ही आ रहा है, तो काफ़ी गुस्से में है और हमसे नाराज़ भी है। तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश कर तो देखिए दोस्तों, इसको शायद जगह नहीं मिली है अंदर जाने की, तो अंदर जाने का ये प्रयास कर रहा है। तो यहाँ इसके लायक अंदर जाने की जगह नहीं है, तो इसे मैं थोड़ा साइड में छोड़ देता हूँ ताकि, देखिए दोस्तों कितना गुस्से में है। जिस साइड हम इसे छोड़ना चाहते थे उस साइड नहीं जा रहा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पे अटैक कर रहा है। जितना सांप होता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये घुसेल जाते होते हैं और इन्हें मालूम नहीं होता कि, देखिए दोस्तों किस प्रकार ये गोल 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 घूम रहा है। इसका मूवमेंट देखिए, ऐसा कर्तव्य करने को हमें बहुत ही कम मिलता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पे पलट बार कर रहा है और शायद हमसे नाराज भी है। हमसे क्यों नाराज है, इसकी हमने जान बचाई है इसलिए नाराज है। देखिए दोस्तों, ये शायद, ये देखिए दोस्तों किस प्रकार ये मेरे पे अटैक कर रहा है, बहुत ही खतरनाक सांप है ये। तो ऐसा शायद हमारे साथ होने को बहुत, इतना गुस्से में है कि हमारे पीछे पड़ा है, चला जा। देखिए वापस मेरी तरफ ही आ रहा है ये। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ ताकि ये चला जाए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।